Hello, welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss initial topic, a basic topic in the field of educational research or qualitative or quantitative research, that is difference between qualitative and quantitative research, how we can compare between these two. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations. And do subscribe my channel to get my future videos as well as my previous videos too. So let's start. Sorry. सबसे पहले हम जब क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बीच में तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका बेसिक पैराडाइम क्या है, मतलब इनका मूलभूत संरचना क्या है, किस पर ये निर्धारित है, किस पर आधारित है, किस हिसाब से काम करते हैं, इनकी अप्रोच क्या है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म को साइंटिफिक अप्रोच भी कहा जाता है, और उसके बाद आई पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच. तो जानते हैं कैसे ये दोनों अप्रोचेस काम करती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में. इन द पॉजिटिविस्ट वर्जन, जब हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, इट इज कंटेंडेड दैट देयर इज अ रियलिटी आउट देयर टू बी स्टडीड, कैप्चर्ड एंड अंडरस्टूड. यानी कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच को मानने वाले ये मानते हैं कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं. ठीक है, यानी कि रियलिटी कोई ऐसी चीज है जिसको हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं. ये कौन मानते हैं? पॉजिटिविस्ट मानते हैं. और पॉजिटिविस्ट अप्रोच किसको कौन फॉलो करता है? क्वांटिटेटिव अप्रोच वाले फॉलो करते हैं. जबकि वेयर एज पोस्ट पॉजिटिविस्ट, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट को मानने वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव के बाद आया ये पैराडाइम शिफ्ट, इसलिए इसको पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहा जाता है. ये मानते हैं, आर्ग्यू, ये तर्क करते हैं दैट रियलिटी कैन नेवर बी फुली एप्रीहेंडेड, ओनली अप्रोक्सीमेटली. ये कहते हैं कि वास्तविकता को हम कभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, हम सिर्फ उसका एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लगभग हम पहुंच सकते हैं वास्तविकता तक. ये कौन मानते हैं? ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट वाले मानते हैं. और पोस्ट पॉजिटिविस्ट किसको गवर्न करता है? क्वालिटेटिव को. तो ये लिंकन एंड गुबा की बहुत फेमस किताब है, हैंडबुक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, और बहुत बहुत विस्तार से उन्होंने हर एक एस्पेक्ट को क्वालिटेटिव रिसर्च के बताया है. तो वहां से ये गुबा ने 1990 में ये हमको बताया कि पॉजिटिविस्ट वर्जन का मतलब है कि रियलिटी पूरी तरीके से समझी जा सकती है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं हम रियलिटी को समझ ही नहीं सकते, ओके, पूरी तरीके से. देन क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स वांट टू बी श्योर ऑफ एवरीथिंग. जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर है, जो मात्रात्मक अनुसंधान करता है, वो चाहता है कि हर चीज एकदम सुनिश्चित होनी चाहिए कि हमारा क्या सैंपल होगा, हमारी क्या मेथोडोलॉजी होगी, हम किस तरीके से चलेंगे, कितना हमारा क्वेश्चन है भरवाना है, कितना एवरीथिंग. दे वांट टू नो वेयर वन थिंग एंड्स एंड द अदर बिगिंस. वो ये जानना चाहते हैं कि कहाँ एक चीज खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है. जबकि हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पर तो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस साथ में चलता है, जबकि क्वांटिटेटिव में देखिए डेटा जब कलेक्ट हो रहा है तो डेटा की एनालिसिस नहीं हो रही. क्वेश्चनेयर भरने गया, जब क्वेश्चनेयर भर कर आएगा वापस, तब देखा जाएगा कि उस पर कौन सा टूल, मतलब टूल पहले सुनिश्चित हो जाता है लेकिन कैसे क्या करना है. जबकि यहाँ तो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो वो तो जैसे जैसे डेटा कलेक्शन आगे बढ़ता है वो एनालिसिस साइड बाई साइड चलती है, और वही सुनिश्चित करती है कि अगले प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, ओके. तो दे वांट टू क्वांटिफाई एवरीथिंग. क्वांटिटेटिव रिसर्चर हर चीज को क्वांटिफाई करना चाहता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स रियलाइज दैट दे मे नेवर नो ऑल देयर इज टू नो. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चर ये मानकर चलता है, उसको ये विश्वास है कि वो सब कुछ जान ही नहीं सकता जो वो जानना चाहता है, ओके. तो ये जो है बेसिक पैराडिग्मेटिक डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में. तो ये मूलभूत अंतर है, इसीलिए सारी चीजें इस पर आधारित है और इस हिसाब से चलती हैं. आगे देखते हैं और क्या अंतर है. एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटीज, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो वो कैसे डिफरेंस करती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में. क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स बिलीव दैट देयर इज अ वे इन विच ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन कलेक्ट द सेम काइंड ऑफ डेटा इन द एग्जैक्ट सेम मैनर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंट्रा एंड इंटरपर्सनल एनवायरमेंट्स.
क्यों ऐसा सोचता है क्वांटिटेटिव रिसर्चर? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या बात होती है कि हम जनरलाइजेबिलिटी, जो हमारा निकल के आई है रिसर्च, वो हम ऑल ओवर द पॉपुलेशन जनरलाइज कर सकते हैं. फिर वो कहता है ऑब्जेक्टिविटी, जब रिसर्चर उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो दुनिया का कोई रिसर्चर उस काम को कर सकता है. कहते हैं ना समान ताप एवं समान दाब की दशाओं में आप कहीं भी उसको एग्जैक्टली कर सकते हैं. समान ताप एवं समान दाब ऐसे ही कर दिया, मतलब जब भी आप कंडीशंस को कॉन्स्टेंट करेंगे, तो इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट करेंगे, तो आप कहीं भी कर दीजिए वो चीजें एग्जैक्टली उसी तरह रेप्लीकेबल हो जाएंगी. ये मान के चलता है क्वान्टिटेटिव रिसर्चर. मतलब कुछ भी इंटर इंट्रा पर्सनल एनवायरनमेंट हो, क्यों? क्योंकि उसको सब्जेक्टिविटी जब इन्वॉल्व ही नहीं करनी है, जब उसको विषय व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना है, तो ऑब्जेक्टिविटी होगी तो हर जगह वो चीज उसी तरीके से की जा सकती है. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स एक्सेप्ट, जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है, जो गुणात्मक अनुसंधान करता है, वो ये स्वीकार करता है दैट द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कन्फाइंड विद इन द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यानी कि मनुष्य के व्यवहार की सीमाओं के बीच में ही हो सकता है कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. पर्सनल एटीट्यूड क्या है, मैं किस तरह से डेटा कलेक्ट करती हूँ, आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं, दोनों में बहुत अंतर आएगा जब डेटा कलेक्ट होकर आएगा. ह्यूमन इमोशंस कितनी आप में के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, सामने वाला कहे कुछ रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो उसका जेस्चर है और वो जो बोल रहा है उसमें एक सार है ही नहीं और आप मान ले रहे हैं वही चीज जो वो बोल रहा है, तो ये सारी चीजें कहां निकल कर आएंगी, वो चीजें सब गलत हो जाएगा इंटरप्रिटेशन. पर्सनल प्रेफरेंसेस एटसेट्रा लिमिट द अमाउंट ऑफ अटेंशन वी प्लेस ऑन द डेटा वी कलेक्ट एंड व्हाट वी ह्यूमन बीइंग्स फिल्टर आउट एट सेंस मेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू अस. मतलब हमको ये डिलिमिट करना है, हमको ये फिल्टर आउट करना है कि कहाँ से वो डेटा मिल रहा है जिससे कोई सेंस निकल कर आ रहा है, कहाँ से वो है, मतलब किसको हमको डिस्कार्ड कर देना है जो सेंस मेकिंग नहीं है. तो ये जब आप शुरू करते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, फिर जैसे जैसे आप उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, खुद ब खुद बहुत चीजें आप अनुभव से सीखते जाते हैं. नहीं तो हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है इसके लिए, या हमको बहुत सारा लिटरेचर इसके लिए पढ़ना पड़ सकता है, या एक व्यक्ति के बस का तो नहीं है आई थिंक सो, कि उसको कोई भाई कोई ऐसा हो जो रिकॉर्डर रिकॉर्ड करे, है ना. आप तो मतलब मोबाइल और एवरीथिंग में ये सारी सुविधाएं, नहीं तो पहले होता था कि कोई टेप रिकॉर्डर सॉर्ट ऑफ हम लेके चले, नहीं तो भाई इंटरव्यू में जितना कुछ बोला जा रहा है आप सब कुछ तो नोट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत चीजें नोट करनी है. आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी नोट करना है, आपको जेस्चर भी नोट करना है, आपको ये भी नोट डाउन करना है कि कहाँ पर वो दुखी हो गया, कहाँ वो खुश हुआ, कहाँ वो एकदम प्रफुल्लित हो गया. इतनी चीजें साथ में सब कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपको कोई ना कोई असिस्टेंस उसमें प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, कोई आपके संग ज्यादा जानकार हो इस फील्ड का, वो आपके साथ हो. तो इतनी सारी चीजें डेटा कलेक्शन को प्रभावित करती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्चर मानता है. इसके विपरीत क्वांटिटेटिव रिसर्चर मानता है कि सभी प्रकार की ह्यूमन बीइंग से हम एक ही तरीके का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सेम मैनर में, कुछ भी इंटर और इंट्रा पर्सनल एनवायरमेंट हो. क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक पैराडाइम है वो ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि एवरीथिंग कैन बी क्वांटिफाइड. ओके, तो ये जो है ये भी एक डिफरेंस का क्राइटेरिया बनता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में. अच्छा देखिए एक बात और आप बताऊँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम बहुत तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि टेबुलर फॉर्म में कि इसके डेटा कलेक्शन के मेथड्स अलग है, इसके अलग है, इसकी एनालिसिस ऐसी होती है, उसकी एनालिसिस ऐसी होती है. लेकिन मैंने थोड़ा सा दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप बेहतर समझ पाए. फिर है कैप्चरिंग द इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्वालिटेटिव में हमको इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है, जबकि क्वांटिटेटिव में ऐसी कोई बात नहीं है. क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेटर्स थिंक दैट दे कैन गेट क्लोजर टू द एक्टर्स पर्सपेक्टिव थ्रू डिटेल्ड इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्वेशन. एक्टर का मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट से है, यानी कि जो क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेटर है, अनुसंधान करता है, जांच करने वाला है, वो ये सोचता है कि वो पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव तक पहुंच सकता है अगर वो डिटेल में इंटरव्यू करे, ऑब्जर्वेशन करे. They argue that quantitative researchers, seldom are able to capture the subject's perspective because they have to rely on more remote inferential empirical materials. मतलब जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो तो मानता है कि वो जो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन अगर करेगा, इंटरव्यूइंग करेगा, तो वो एक्टर के पर्सपेक्टिव तक पहुंच पाएगा. लेकिन वो ये भी मानता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर मुश्किल से कभी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव तक पहुंच पाएगा. क्यों? क्योंकि वो तो रिमोट, उसका जब हम क्वेश्चनर भरवाते हैं तो क्या हम जेस्चर चेक करते हैं, या आप
हम सभी लोग कैसे क्वेश्चनेयर फिल करते हैं, हम सभी लोगों को आइडिया है ना, मतलब सिर्फ क्वेश्चनेयर नहीं है उसके डेटा कलेक्शन का मोड, लेकिन मेनली क्या होता है कि इतने क्वेश्चनेयर बांट दिए, अब इसको भरना है तो भरा कैसे जाता है, हम क्या टिक लगा रहे हैं, तुम क्या टिक लगा रहे हो, कुछ भी टिक लगा दिया कुछ, उसको कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग एग्जैक्टली उसको सेम मतलब अपना डिसीजन देते हैं, आई हैव एप्रिहेंशन अबाउट इट, है ना। तो उनका तो रिमोट इन्फरेंशियल इंपिरिकल मटेरियल है, तो सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। द इंपिरिकल मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्टर इंटरप्रिटिव मेथड्स आर रिगार्डेड बाय मेनी क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स आर अनरिलायबल इंप्रेशनिस्टिक एंड नॉट ऑब्जेक्ट। और जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर है वो क्या मानता है कि जो इनका है, मतलब जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का मोड ऑफ डेटा कलेक्शन है वो सॉफ्टर है और वो उसमें अनरिलायबल है, इम्प्रेशनिस्टिक है और ऑब्जेक्टिव नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि इन्होंने तो जो क्वेश्चन बनाया उसको फेस वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब सेट करके तब लेकर चले हैं, लेकिन हम तो जो अपना हमने अपना ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाया है या जो इंटरव्यू शेड्यूल बनाया है उसको हमने किसी से वेरीफाई नहीं कराया। तो ये दोनों बेसिक अंतर हैं, दोनों ही एक दूसरे को उनको लगता है कि उनके मेथड्स में खामियां हैं, जबकि दोनों की अप्रोच अलग है। मैंने शुरुआत में भी कहा था क्यों, क्योंकि दोनों के रिसर्च क्वेश्चंस अलग हैं। हम जानना क्या चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को फॉलो करेंगे। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डीपर इंसाइट चाहते हैं किसी चीज पर किसी मुद्दे पर तो आपको क्वेश्चनेयर से नहीं मिलेगा वो, और क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर से नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की शरण में जाना होगा। ठीक है, then qualitative researchers feel that the mere act of quantifying perspectives in an attempt to fit them into predetermined categories or create new categories for them leads to the loss of unique perspectives and capturing of the unique characteristics of each individual being that is under study। qualitative researcher ye manta hai ki humko bas agar quantify hi kar dena hai perspectives ko aur पूर्व निर्धारित जो हमारी कैटेगरीज हैं उसी में हमको फिट इन करना है, तो हम कभी भी यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं पा पाएंगे और उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैटेगरी तो हम पहले ही डिटरमिन करके चले हैं ना, तो हमको हम रिसर्च में करने क्या जा रहे हैं एक्चुअली, कि जो हमने पहले से निर्धारित कर दिया है कि ये इस कैटेगरी में आएगा ये इस कैटेगरी में आएगा, बस हम उसको उसमें फिट इन कर देंगे। कुछ भी नया यूनिक स्पेशल वी कैन नॉट फाइंड आउट इन क्वांटिटेटिव रिसर्चेज, ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्चर्स मानते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के कैप्चरिंग का बेसिक डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव रिसर्चर मानता है और कर सकता है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कैप्चर, जबकि क्वांटिटेटिव नहीं कर सकता। देन एग्जामिनिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के जो बाधक तत्व है उनका भी एग्जामिनेशन के पैटर्न में दोनों में डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स सी दिस वर्ल्ड इन एक्शन एंड एम्बेड देयर फाइंडिंग्स इन इट। Quantitative researchers abstract from this world and seldom study it directly. They see a nomothetic or ethic science based on probabilities derived from the study or large numbers of randomly selected cases, while qualitative researchers are committed to an emic, ideographic, case-based position which directs their attention to the specifics of particular cases. देखिए अगर आपको सैम्पलिंग का अनुमान है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमको रैंडमली सेलेक्ट करने हैं केसेस, ताकि जो हमारी सैंपल हो वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, तभी जितना बढ़िया हम हमारा सैंपल होगा उतनी बढ़िया हमारी रिसर्च को हम जनरलाइज कर पाएंगे पॉपुलेशन पे। तो वो केस बेस्ड तो है ही नहीं, उनको तो कहीं से भी उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट कर दिया और उसी को फिर उनको जनरलाइज करना है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चर क्या कहता है कि इडियोग्राफिक होगा, केस बेस्ड होगा और स्पेसिफिक्स या पर्टिकुलर केसेस होंगे। इसीलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च की सैम्पलिंग का मेनली जो टाइप होता है वो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, यानी कि हमने पर्पसफुली सेलेक्ट किया है उन केसेस को जिनसे हम उनको लगता है कि बेहतर डेटा निकल कर आएगा, या जिनके संग कोई घटना दुर्घटना हुई है या कुछ हम उनका पर्टिकुलर इंस्टेंस नापना चाहते हैं समझना चाहते हैं तब हम उनको चुनते हैं। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्चर्स स्टडी डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि विभिन्न चीजों को विभिन्न लेवल पे हम नाप रहे हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अध्ययन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स स्टडी थिंग्स फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर है जो मात्रात्मक अनुसंधान करता है वो चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव से नापता है, मतलब उसको तो डिलीबरेटली अपने आप को
इन्वॉल्व होने से रोकना है। हमको कोई मतलब नहीं है कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उसने कैसे उसको भर के दिया है, हमने एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव की तरह से निकाल दिया डेटा। दे स्टडी क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स नोमोथेटिक एज आउटसाइडर्स। नोमोथेटिक को नाम मात्र कहते हैं अगर आप हिंदी में देखें तो। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चर क्या करता है, स्टडी एज इनसाइडर्स। हम तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम तो खुद उनके एक पार्टिसिपेंट बन गए हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि हम एक्चुअली ऑब्जर्व कर पाए कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके पीछे मंशा क्या है। और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इडियोग्राफी को कहते हैं, दैट लाई आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कैटेगराइजेशन। तो ये एक और मुद्दा बनता है दोनों में अंतर का, कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर है, वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव्स की तरह से आपको अध्ययन कर रहा है, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो आपके इनसाइड जाकर आपके केस बेस्ड स्टडीज का अध्ययन कर रहा है, इडियोग्राफिक कर रहा है, जबकि क्वांटिटेटिव है जो वो नोमोथेटिक कर रहा है। ओके, तो ये एक मुद्दा हो सकता है। फिर क्या, सिक्योरिंग रिच डिस्क्रिप्शंस। देखिए, जो क्वालिटेटिव रिसर्च की फाइंडिंग्स आती है वो बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत लेंदी होती है, बहुत थिक होती है, थिक डेटा आता है, रिच डिस्क्रिप्शन। उसमें डेटा कलेक्शन कब रोकते हैं क्वालिटेटिव में, जब तक हमको ये लगने ना लगे कि रिडंडेंट हो गया है या रिपीटेटिव हो गया है डेटा जो हमारा निकल के आ रहा है, तब तक चलता रहता है कोई उसमें वो, ये हमको पता ही नहीं है कि कब तक हमारा डेटा कलेक्शन चलेगा। ओके, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो रिच डिस्क्रिप्शंस देती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स बिलीव दैट रिच डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सोशल वर्ल्ड आर वैल्यूएबल, वेयर एज क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स विद देयर एटिक नोमोथेटिक कमिटमेंट्स आर लेस कंसर्न विद सच डिटेल। उन्होंने तो बस इतना बता देना है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाटएवर, देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ तो रिच डिस्क्रिप्शन निकल कर आएगा, बहुत लेंदी इसकी फाइंडिंग्स होती हैं। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर को रिच डिस्क्रिप्शन से मतलब नहीं, बट टू द पॉइंट चलेगा अपना फाइंडिंग, टेबल वन के हिसाब से इतना, टेबल टू के हिसाब से। फिर क्वालिटेटिव रिसर्चर्स लुक फॉर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन सराउंडिंग इंडिविजुअल एंटिटीज, इवेंट्स एंड फेनोमेना। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक गोल क्या था, कि हमको डीपर इंसाइट चाहिए थी, हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए था, हमको उसके पीछे की प्रोसेस निकाल कर लानी थी, तो वो निकल कर आ जाएगी। दे सीक टू सप्लीमेंट द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कैटेगराइजेशन एंड जनरलाइजेशन विद यूनिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ एंटिटीज, फेनोमेना एंड इंडिविजुअल्स दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड। मतलब सॉरी, जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो सप्लीमेंट करता है, हमने शुरुआत में भी बताया था कि हम इसको स्टैंड अलोन रिसर्च की तरह भी कर सकते हैं, हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च की तरह से भी कर सकते हैं, कि हम पहले एक बार क्वांटिटेटिव यानी कि स्टैटिस्टिकल टूल निकाल कर कुछ डेटा ले लें, फिर हम उसके बाद उस पर क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमको उसके पीछे की प्रोसेस उसका हमको पता चल पाए कि क्या है। तो इस तरीके से जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो, या रिसर्च है वो, रिच डिस्क्रिप्शन को सिक्योर करती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा नहीं करती है, या उसको वो उतना तवज्जो नहीं देती, उतना महत्व नहीं देती है। आई थिंक इट हैज बीन कंप्लीटेड, यस। ओके, तो बहुत तरीके से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंपेयर कर सकते हैं, मैंने ये तरीका इख्तियार किया है, आपको बहुत और दूसरे तरीके मिल जाएंगे, बट आई एम श्योर दैट आपको बेसिक डिफरेंस इनकी मेथडोलॉजी में, इनकी अप्रोच में समझ में आया होगा कि क्यों ये इस तरीके से चलते हैं, उस तरीके से चलते हैं। इसलिए अब आप ये नहीं समझेंगे, या कोई आपको अगर ये कहे कि क्वालिटेटिव रिसर्च तो कोई रिसर्च ही नहीं है, जब आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, जब आप उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं है, तो आप उसके पीछे का लॉजिक क्लियर कर सकते हैं कि आप मुद्दा तो देखिए, गोल तो देखिए, हमारा गोल है ही नहीं जनरलाइज करने का, हम तो स्पेसिफिक केसेस स्टडी करने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक केसेस को कैसे जनरलाइज करेंगे, हम जनरलाइज करने के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य दूसरा है, इसलिए हमारा अप्रोच दूसरा है, इसलिए यू कांट, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कुछ खराब है या आपका कुछ अच्छा है, या आपका कुछ अच्छा है हमारा कुछ खराब। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।